वेलकम टू लास्ट यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे गिरिराज समाचार पत्र के बारे में, जो कि प्रकाशित हुआ है 20 फरवरी 2019 को। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे इसी वीडियो में 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बार बार विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स आपको एक सूचना दे दूँ, यदि आप लोगों ने अभी तक एक वर्ष के करंट अफेयर्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जाइए हमारी वेबसाइट पे lifestudyco.in पर, और इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे दो पीडीएफ के फॉर्म में जनवरी से लेकर जून तक और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स आप दो पीडीएफ में हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको सुजेस्ट करते हैं किसी परीक्षा में आप लोग जा रहे तो पिछले कम से कम 3 वर्षों के अच्छे से प्रश्न पत्र आप लोगों ने हल करने हैं, विद डिस्क्रिप्शन के साथ में यदि आप लोगों को मिल जाए तो सुनने पर सुहागा है। तो हमारी टीम के द्वारा ऐसा ही प्रयास किया गया है, क्लर्क अलाइड और टीजीटी आर्ट्स कमीशन के पिछले 3 वर्षों के, इसमें टीजीटी आर्ट्स और ओल्ड के 3 वर्षों के हैं, और क्लर्क के 2009 से लेकर 17 तक के कम से कम 7-8 वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। इनका आप अच्छे से अध्ययन कर लें, बहुत से प्रश्न बार बार रिपीट भी होते हैं। ये पुस्तकें भी आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट पर lifestudyco.in पर। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहली खबर है गिरिराज समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुई थी और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श बनी हिमाचल प्रदेश विधानसभा। आप अक्सर देखते रहते हैं जब भी 3 तरह के सत्र होते हैं हमारी विधानसभा में, एक शीतकालीन होता है, एक बरसात में होता है और तीसरा होता है बजट सत्र। तो आजकल कौन सा सत्र चला हुआ है? बजट सत्र चला हुआ है। जब कभी भी हम बजट सत्र के बारे में बात करते हैं तो बजट के साथ में इकोनॉमिक सर्वे और सरकार का बजट होता है, उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा खबरें उस टाइम विधानसभा से संबंधित होती है और एग्जामिनर कंसंट्रेट भी वहीं पर करता है, कौन सा बिल पास हुआ, सरकार की नई नीतियाँ क्या क्या है, क्या प्लानिंग सरकार कर रही है, किस सेक्टर में कितना खर्च कर रही है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ में जो हमारी विधानसभा है जो कि शिमला में स्थित है, इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है। हम लोग बात करें ई विधानसभा, आज की डेट में हम लोग कहां पे जी रहे हैं, जो ई सूचना के माध्यम से हम लोग अपनी सारी के सारी जानकारियां प्रेषित करते हैं, तो विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरे भारत में एक ऐसी विधानसभा है जो कि पेपरलेस है। जितने भी वहाँ पे तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं वो डिजिटल फॉरम में ही पूछे जाते हैं। इसका विभिन्न भारत के जितने अन्य राज्य है, लोकसभा के सांसद है, राज्यसभा के सांसद तथा बाहरी देशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर ऑनलाइन डिवेलप किया गया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी मुहैया कर थी। इसके अलावा बात करें आगे तो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार, भारत सरकार और विश्व बैंक ने नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ग्रेटर शिमला क्षेत्र में सीवरेज सेवाएं व जलापूर्ति में सुधार लाने के लिए कुल 986 करोड़ रुपए की समझौता ऋण राशि में से 292 करोड़ रुपए की विकास नीति ऋण बंद पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस करंट अफेयर्स में हम लोगों के लिए क्या, जब कभी आप समाचार पत्र पढ़े तो आपका बिजनेस तरह से हो जाना चाहिए, कौन सा प्रश्न हम लोगों के लिए बांध से निकल कर आ रहा है। पिछले वर्ष आपको पता होगा 2018 में शिमला में जल संकट की जो खबरें हैं लंदन और वॉशिंगटन तक पहुंच गई थी, ठीक है, बहुत भयंकर जल संकट शिमला में था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार चाहती है कि जलापूर्ति की जाए, जो शिमला में बहुत क्राउड हो गया है तो सीवरेज की भी सेवाएँ तंदुरुस्त की जाए। तो वहाँ पर क्या किया गया, भारत सरकार तथा विश्व बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अक्सर परीक्षाओं में यही पूछा जाता है कौन सी योजना है या कौन सी सर्विसेज गवर्नमेंट किसके वित्त सहयोग से ले रही है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो माली अर्थव्यवस्था है। माली मतलब अच्छी नहीं है, हम ऋणी अर्थव्यवस्था में है। करीब करीब जो हमारा लोन का आंकड़ा है वो 48,000 करोड़ का हो चुका है। आगे आपने समाचार पत्रों में एक खबर पढ़ी होगी और मेरे हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेलो मोगीनंद। जब भी आपको ये मोगीनंद याद है तो मैं आपको टिप्स देता हूँ आपने कैसे इसको याद रखना है। मोगीनंद एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है जो कि सिरमौर जिला में स्थित है। ये क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हिमाचल प्रदेश का पहला स्कूल स्तर पर एक शैक्षणिक रेडियो बनाया गया जिसमें जो स्कूल में टीचरों के द्वारा लेक्चर्स दिए जाएंगे या स्टूडेंट्स किसी गतिविधि में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने चाहते हैं तो उसका क्या करेंगे, का ये प्रसारण करने जा रहे हैं। तो इससे देखो क्या होता है, स्टूडेंट्स को इस तरह की एक मोटिवेशंस मिलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा सुधार लाए जा सकते हैं शैक्षणिक प्रणाली में। देखिए एक जगह पे पढ़ाया जाएगा, बहुत से लोग उसको सुनेंगे और इन्होंने तो ऐप भी इसका बनाया है, ऐप के माध्यम से भी आप इसको कहीं भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मोगीनंद आया तो आपने रखना कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इन्होंने क्या किया, अपना एक शैक्षणिक रेडियो तैयार किया है।
आगे बात करें हिम केयर योजना की, बहुत बार हम इसको पढ़ भी चुके हैं, जब भी हिम केयर शब्द आप सुने इसके साथ में आपने इंटरलेट क्या करना है, आयुष्मान भारत योजना को जोड़ देना, जिस योजना को मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आयुष्मान भारत योजना में क्या था, तो 2011 की जो सेंसिस थी उसमें से उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, जो अति गरीब लोग हैं कुछ और भी उसमें आंकड़े लिए गए थे, उस आधार पर उनको ऑटोमेटिकली चयन हो गया था। और उन लोगों को क्या कभी भी किसी भी बीमारी में आए उनका परिवार, तो उन्हें 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया करवा जाता। तो सेम ये स्कीम हिमाचल प्रदेश में भी लागू की गई 23 सितंबर 2018 में। तो इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में क्या था, बहुत से लोग इस स्कीम के अंदर नहीं आए। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी स्कीम लगी, जो कि देखिए अक्सर जब कोई भी बीमारी में फंसता है तो बहुत ज़्यादा धन उसका बीमारी के ऊपर चला जाता है, इसमें की बर्बादी होती है, हेल्थ गिर जाती है और पैसा भी लगता है। यदि सरकार वहाँ पर हेल्थ में मनी सिक्योरिटी देती तो हो सकता है बहुत से लोगों को एक नया जीवन मिले। तो प्रदेश सरकार ने एक ऐसी पेशकश की है हिम केयर योजना के अंतर्गत, क्या किया गया है, ऐसे लोग जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको किसके अंदर लाने की कोशिश की गई है, हिम केयर योजना के अंतर्गत उनको लाने की कोशिश की गई है। और उनसे जिनके घरों में 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों के बनेंगे 2 कार्ड, यदि 5 तक है तो 1 ही कार्ड बनेगा और आप भी इसे 5 लाख तक का अपनी फैमिली के लिए हेल्थ बीमा को सिक्योर कर सकते हो। लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से इन कार्डों को बनाया जा सकता है। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आएगा, हिमाचल प्रदेश के कितने अस्पतालों को हिम केयर योजना तथा आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकृत किया गया है, तो ये आंकड़ा है 193 अस्पताल, ये आपने याद रखना है। और करीब 1800 बीमारियों का होगा इलाज। देखिए एक बहुत ही अच्छी योजना है, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपना कार्ड भेजिएगा। ऊना में पीजीआई चंडीगढ़ का सैटेलाइट केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखिए ऊना में क्या है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई चंडीगढ़ है, उसके डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर जगतराम जी है, जो कि सिरमौर से है, ठीक है, और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ के देखिए इतने आगे तक पहुँचे हैं। तो वहाँ पर पीजीआई क्या कर रही है, ऊना में एक अपना सैटेलाइट केंद्र स्थापित करने जा रही है। और इस पर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर हिम केयर योजना भी है, ये तो आपने याद रखना है। प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष का बजट कितना निर्धारित किया गया है, 2482 करोड़ रुपये का बजट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यय होगा वित्त वर्ष 2019 और 2020 के लिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित होंगे अटल आदर्श विद्या केंद्र। देखिए सरकार की एक योजना है कि अटल आदर्श विद्या केंद्र खोले जाए, जहाँ तक मेरे पास सूचना है बिलासपुर में आई थिंक पहला इस तरह का एक रेजिडेंशियल स्कूल खोला जा चुका है, मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। और अब देखिए सरकारी योजना करीब 68 हमारे विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार इसको खोलने जा रही है। विकासोन्मुखी एवं सर्वस्पर्शी बजट, देखिए ये आर्टिकल जो संपादक है गिरिराज समाचार पत्र के, उनके द्वारा लिखा गया था, तो उन्होंने भी आंकलन किया है कि जो बजट है वो विकासोन्मुखी, और हमें तो कभी जैसे जो कंपटीशन के विद्यार्थी है हमें मेन में लिखना पड़ता है सरकार के बारे में, तो आलोचनाएं हम थोड़ा सा इग्नोर ही करते हैं, जहां पे जेन्यून सी लगती है वहां पे कुछ फैक्ट के साथ में आलोचना करते हैं। देखिए बजट आया है तो हम इसके सकारात्मक पॉइंट्स को ही लेंगे, ठीक है। देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, आपको लेखन शक्ति का टिप्स देता हूँ, विपक्ष क्या करता है नेगेटिव पॉइंट्स निकालता है कि सरकार की इस बजट में एक थी। यदि आप कंपटीशन के प्रशिक्षु तो हमने क्या निकालना है, हमने इसमें सकारात्मक चीजें निकालने की कोशिश करनी है, चाहे जितना मर्जी आपको कूड़ा भी दे दिया जाए तो उस कूड़े में से भी आप निकालने की कोशिश करेंगे कि मेरे काम का उस कूड़े में क्या है, ठीक है। तो इस तरह का आपने एटीट्यूड डेवलप करना है। तो यहां पे इसी से संबंधित था कि सरकार का जो बजट है बेहतर बजट था, ऐसा मानना है गिरिराज समाचार पत्र के संपादक महोदय का। और यहां से देखिए मेरे लिए क्या प्रश्न निकला कि सरकार ने कितनी योजना इस बजट में लाई, मुझे एक ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए था जिसके अंदर मैं कल को चैलेंज भी कर सकूं। पिछले वर्ष की बात करें तो 30 योजनाएं सरकार लाई थी, और इस वर्ष देखिए ऑथेंटिक सोर्स के अंतर्गत हमें पता चल रहा है कि इस वर्ष सरकार कितनी नई योजनाएं लाई है, 15 नई योजनाएं बजट में लाई है, कहानी खत्म। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सारांश में से निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है। देखिए इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, हिमाचल प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है, ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो उन किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष क्या किया जाएगा सरकार की तरफ से अपनी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाएगा, और 2,000 की 3 किस्तों में मिलेगी। विभिन्न तरह के पंचायतों में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग भी यदि आपके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कंपटीशन के विद्यार्थियों ने याद रखना है राशि कितनी दी जा रही है, कितने इंस्टॉलमेंट के अंतर्गत दी जा रही है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसके लिए बनाई गई है।
बजट अनुमान 2019-20 में बात करें, देखिए ज़्यादा आंकड़ों के झमेले में नहीं पड़ना है, आपने सीधा से याद रखना है कि सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या है, जो अर्थव्यवस्था है वो ऋणी है, हम लोगों का जो खर्चे है वो ज़्यादा है, इनकम क्या है कम है। यदि हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद का तो 4.35% हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, ऋणी है। 10 करोड़ से निर्मित अंबेडकर राज्य पुस्तकालय जनता को समर्पित, जहां तक मुझे सूचना प्राप्त है इसकी, तो ये हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ठीक है, जो ये लाइब्रेरी कहां पे बनी है, विधानसभा के निकट कैनेडी चौक है, वहां पे से 10 करोड़ की लागत से बनाया गया। और इस लाइब्रेरी का नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ये नाम इसका नामकरण किया गया है। उन्ना के सिंगा में फूड पार्क का लोकार्पण, देखिए स्टूडेंट्स बजट में मैंने आपको पढ़ाया था सरकार कहाँ कहाँ पे फूड पार्क खोलने जा रही है, आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाइएगा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ, वहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके लिखा था कि सर जो आप हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के सारांश के नोट्स हमें पढ़ा रहे हैं उसका प्लेलिस्ट में नहीं है, मेरे ख्याल से आप जाइएगा उसी पे, तो वहाँ पे एसपी जी के नाम से एक फोल्डर बना है, वहाँ पे सारे के सारे लेक्चर्स को हमने क्या किया है उसी फोल्डर में डाल दिया है। सारा डाटा सिस्टमेटिकली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको पूरा का पूरा डाटा वहीं पे मिल जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत से बच्चों ने हम लोगों से यही स्टडी मटेरियल पढ़ के नौकरी प्राप्त किया, आने वाले इसमें आपको इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए ऊना जिला के सिंघा में क्रेमिका फूड पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा किया गया, सीएम के द्वारा किया गया। एचएस अलाइड एनटी के विद्यार्थियों ने इस जगह का नाम भी याद रखना है, ऊना के कहाँ पे है, सिंघा नाम की एक जगह है, वहाँ पे क्या बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार के द्वारा एक फूड पार्क को स्थापित किया गया है, छोटे परीक्षाओं के विद्यार्थियों को ऊना जिला से ही काम चल जाएगा। अब स्टूडेंट्स गिरिराज समाचार पत्र में मैक्सिमम बजट से संबंधित खबरें थी, तो बजट मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया, वहीं से आप इसको पढ़ लीजिए, दस में आपने वेस्ट नहीं करना है। अब आपको ले चलता हूँ दिव्य हिमाचल के ऊपर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, क्विक सेक रिविजन करवा देता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो खजियार को कहा जाता है, खजियार कहाँ पे है, चंबा में है। छोटी काशी की बात करें तो मंडी को कहा जाता है छोटी काशी, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 81 से भी ज़्यादा विभिन्न तरह के देवी देवताओं के मंदिर है, जिसमें प्रमुख भूतनाथ जी का मंदिर है, पंचमंत्रा का मंदिर है, त्रिलोकनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्यसभा के सदस्य कौन थे, चिरंजी लाल वर्मा थे, और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जो सदस्य जाते हैं वो 3 जाते हैं, लोकसभा के लिए 4 जाते हैं, और हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य है, 68 है। जिला शिमला के किस स्थान पर गोल्फ खेला जाता है, तो ये नालदेहरा में खेला जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां, आपने सुना होगा बद्दी कहाँ पे पड़ता है, सोलन में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का काफ़ी विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, फुलाइस त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो राइट आंसर है इसका किन्नौर, फुलाइस को आपने किससे इंटरलेट कर देना है, फुलाइस किन्नौर का काफ़ी फेमस त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है, तो उस नदी का नाम है सतलुज, और जल प्रवाह की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चिनाब है। हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट कहलाते हैं, तो इस जगह का नाम है पांगी। हिमालयन पिलग्रिमेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बीएन दतार है, मुझे सस्पेंस में है ये प्रश्न, लेकिन दिव्य हिमाचल की तरफ से इसका उत्तर दिया गया है। यदि आपके पास इसकी पुष्टि करने के कोई फैक्ट्स होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक स्टूडेंट्स है हमारे, उनका मैं नाम तो भूल गया, उन्होंने काफ़ी अच्छा, 2 या 3 स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन किया था पिछले वीडियो में, मैंने उनसे पूछा था HPGK सीरीज़ में पूछा था कि आप मुझे बताएं हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क है, और इतने अच्छे से उन्होंने स्टूडेंट्स ने किया है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को इसी तरह से मेरा ज्ञान भी बढ़ाते रहें। कालका शिमला रेलवे लाइन में कुल कितनी सुरंगें हैं, तो इसमें देखिए एक डाउट में है, पहले 103 थी मेरे ख्याल से, 2 अभी वहाँ पे वो ध्वस्त हो चुकी है, तो 101 के आसपास ही सुरंगें वहाँ पे बचती है। मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, शहर का नाम है सोलन, इसे मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कांगड़ा घाटी में खस का उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया, तो 1850 में इसका शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स इसी के साथ में दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी आते हैं, चलते चलते आपका इनका क्विक सर्विजन करवा देता हूँ। विश्व प्रसिद्ध
खारे पानी की झील सांबर किस जिले में है? ठीक है, स से सांबर, स से आपने कर देना है इसको राजस्थान। ठीक है, सांबर से हमेशा याद रखना है राजस्थान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो यह कर्नाटका में। सिंधु घाटी के लोग किस की पूजा करते थे? तो पशुपति जी की पूजा करते थे। भारत का मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग। इलेक्ट्रिक लोकोमेट्रिक का निर्माण कहाँ किया जाता है? इस जगह का नाम है चितरंजन। भारत का सबसे ज्यादा बाहर ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम है। ठीक है, बहुत बार एचएस की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो इसका नाम है सैद वंश। भारत में पहली बार जनगणना कौन से वर्ष में हुई थी? 1872 में हुई थी। भारत का सबसे ज्यादा यूरेनियम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? यहाँ पे उत्तर बताया गया है सिंधु। मेरे हिसाब से ये है उत्तर गलत, जहाँ तक मेरे दिमाग में इस प्रश्न का सही उत्तर है तो उस नदी का नाम था ब्यास। आप लोग इसको रेक्टिफाई दिखा, आपके पास कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है कहाँ से होती है? क्लॉथ जो डिपार्टमेंट है, क्लॉथ जो इंडस्ट्री है उसी से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो इसका नाम है अरावली। और स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मेरे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनाए गए हैं, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर है लाहौल स्पीति। सबसे अधिक अपराध कहाँ पे होते हैं? कांगड़ा में होते हैं। सबसे अधिक लघु औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे है? कांगड़ा जिला में है। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें कहाँ पे है? कांगड़ा में। सबसे अधिक सड़कों वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है जिसका नाम है सहानगर परियोजना, कहाँ पर है? कांगड़ा में है। बात करें हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे की, गग्गल जगह है वो भी कहाँ पर है? कांगड़ा में है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की पॉपुलेशन कहां पे है? तो भी कांगड़ा में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? चंबा, मतलब एसटी सबसे ज्यादा कहां पे है? चंबा में है। जल घनत्व की दृष्टि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज है, जिसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत बनाने की क्षमता भी है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? लाहौल स्पीति का है, जिसका क्षेत्रफल है 13,835, करीब 24 पॉइंट समथिंग के आसपास। हिमाचल प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का हिस्सा किसके पास है? लाहौल स्पीति के पास है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिमला। सबसे, माफ कीजिएगा ये गलत है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो कांगड़ा में है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील कहाँ पर है? सिरमौर में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर कहाँ पर है? बिलासपुर में है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? सूरज ताल, जहाँ पे ताल आते हैं उन झीलों को हम कहाँ पे पहुँचा देते थे? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको मैंने बहुत एक फेमस टिप्स दिया था इसको रिमेंबर करने का, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हमारे जो जीके के लेक्चर चले हैं हिमाचल में सामान्य ज्ञान के, 1 से लेकर 23 तक के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? पार्वती परियोजना है, जिसकी कितनी मेगावाट क्षमता है? 2051। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है? रोंगटोंग कहाँ पे पड़ती है? लाहौल स्पीति में है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? किब्बर, लाहौल स्पीति में है। एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? दियोली, बिलासपुर में है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? सिरमौर। सबसे अधिक उप तहसीलें कहाँ पे है? मंडी में है। सबसे अधिक सेब उत्पादन कहाँ पे होता है? शिमला में होता है। और आलू उत्पादन के लिए भी कौन सा जिला जाना जाता है? शिमला। सबसे अधिक उत्पादन वाला यहाँ पे आई थिंक अदरक होगा, अदरक नहीं है इसमें, तो आपने इसको जोड़ लेना है। कहाँ पे होता है? सिरमौर में होता है। सुंदर ढंग से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मुख्यालय, आप किसी का प्रश्न गलत है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लाहौल स्पीति है। सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पे है? परमाणु में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, कहाँ पर है? धर्मशाला, जो कि कांगड़ा में है। सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। सर्वाधिक शुष्क स्थान स्पीति में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? किब्बर, लाहौल स्पीति में है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सिकड़ी, जिस साधारण भाषा में इसे क्या कहा जाता है? सिकड़ी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान चायल कहाँ पर है? सोलन में है। सबसे अधिक जनसंख्या की जो वृद्धि दर्ज की गई है 2001 से लेकर 11 के बीच में, तो कहाँ पे हुई है? उन्ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है?
कुल में है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, बस आपकी पढ़ाई को हम ऐसे तेज करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे पास, हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में, और हमारी अध्ययन सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे एक वर्ष के करंट अफेयर्स 2 PDF में, हिमाचल प्रदेश भारत विश्व के अति उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस। इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्लर्क की पुस्तिका है, अलाइड सर्विसेज की है, इसके अलावा आपको TGT आर्ट्स कमीशन की पुस्तिका मिलती है, और बदल रहा है मेरा देश तथा प्रदेश मेरे द्वारा लिखित वर्ष 2017 के लेखों का संग्रह है। ये पुस्तक भी आपको elastudyco.in पर उपलब्ध है। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू वेरी मच।